हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। देन यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो रैली आई है वह कहां तक सस्टेन कर सकती है एंड कहां से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अब यहां पर ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले है जो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या मार्केट का स्विंग कैप्चर करते हैं। जिनका लॉन्ग टाइम विजन होता है, डेफिनेटली उनको मार्केट के करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज उनके लिए वो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर एग्जैक्टली हमको चार्ट क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और उसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही है उसकी भी हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को लगाया हुआ है एंड यदि हम लोग इसको देखते हैं तो गाइस इसने लो लगाया था 17 जून 2022 को लगभग 15,200 का। देन यहां से मार्केट ने मूव दिखाना स्टार्ट किया और लगभग 38 ट्रेडिंग सेशन डेज में 15% की अप मूव हम लोगों को देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी एक रैली है। अब यहां से देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं। सबसे पहले सभी लोगों को यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, क्या यहां से डायरेक्टली मार्केट टूट जाएगा या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो थिंकिंग चल रही है वो क्या चल रही है उसको समझिएगा। देखिए होता क्या, जब मार्केट डाउन जा रहा होता है तो सारे लोग डरे हुए होते हैं। जैसे कि यहां तक जब मार्केट आया उस टाइम सभी लोग डरे हुए थे, यहां पे आप लोगों ने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होगा अप मूव का। देन अभी क्या है, मार्केट निकल गया है, अभी क्या चल रहा है, अभी यहां पे ट्रेड इनिशिएट करने की काफी लोग सोच रहे हैं। अब यहां पे रीजन क्या होता है, काफी लोग सोचते हैं सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, यहां पे सेकंड अटेम्प्ट हो गया एंड थर्ड अटेम्प्ट में क्या करेगा, यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, देन यहां से काफी अच्छा अप मूव आएगा और मार्केट अपने हाई को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा, 19,000 पहुंच जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि लॉजिकली क्या चीजें हमारे लिए वैलिड है और हमको किस प्रकार ऐसी सिचुएशन में अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए या फिर पर्सनली मैं कैसे मैनेज करता हूं। तो यहां पर देखिए समझिएगा, दो चीजें हो सकती है, मे बी यहां पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे देन मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बिकॉज रीजन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा बट यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को यहां पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस पर होल्ड करना पड़ेगा। या फिर सेकंड चीज क्या होती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, यहां पर ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट दिखाने के बाद में नए बायर को एक्टिव करता है, देन जैसे ही नए बायर आते हैं और मार्केट यहां से करेक्शन लेते हुए नीचे की ओर आ सकता है, देन सेकंड अटेम्प्ट में यहां से ऊपर की ओर निकल सकता है। तो मार्केट हमेशा ट्रैप करते हुए ऊपर चलता है, मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। तो यहां पे क्या चीजें हमारे लिए सुटेबल हो रही हैं, या मे बी मार्केट यहां पे होल्ड करे इस रेजिस्टेंस के पास में, या मार्केट थोड़ा सा 18,000 के आसपास तक जाए, देन मार्केट में करेक्शन आए, देन फिर मार्केट ऊपर जाए। तो मैंने सारी सिचुएशन यहां पर समझ ली। अब यह तो हो गई सर सिचुएशन, बट ऐसी सिचुएशन में हमको अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो देखो यहां पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं अपने लिए पर्सनली अप्लाई करता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, देन अप्लाई कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में आप लोगों ने मैनेज किए हुए हैं, कुछ स्मॉल कैप कंपनी है, कुछ मिड कैप कंपनी है, कुछ लार्ज कैप कंपनी है। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास एक रैली करता हुआ आता है, जैसे कि हमने देखा कि लगातार कंटिन्यूअसली हमारा हमको 15% की रैली यहां पे देखने को मिली, अब हम लोगों को क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है कि डायरेक्टली मार्केट में भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में जो हमारे स्मॉल कैप कंपनी है उससे हम लोग अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर सकते हैं। बिकॉज जब मार्केट 15% दिया है मूव, तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप कंपनी है यदि वो अच्छी कंपनी होगी तो उन्हें लगभग 25% या 30% के रिटर्न दिए होंगे। लेकिन यहां पर मार्केट होल्ड करता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, फंड जो है वह फ्री होगा, देन हम लोग उसको फिर से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर मार्केट जब करेक्ट करेगा तो हमारा जो लार्ज कैप कंपनी है वो काफी कम टूटेंगे और हमारा स्मॉल कैप कंपनी वो काफी ज्यादा टूटेंगे, तो अगेन हम लोगों को क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो आपके पास में दो सिनेरियो बन जाते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी से आप लोग निकलकर लार्ज कैप कंपनी में बैठ सकते हो, यदि आप लोगों को इन्वेस्टेड रहना है कुछ पैसे को फ्री रख सकते हो। यदि मार्केट ऊपर जाता है जब भी आपका लार्ज कैप कंपनी कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, देन स्मॉल कैप कंपनी यदि हमारा मार्केट नीचे करेक्ट करेगा तो काफी तेजी से टूटेगा, तो वहां पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी
क्रिएट हो जाएगी कि आप लार्ज कैप कंपनी कम टूटेगा, वहां से निकलकर आप स्मॉल कैप कंपनी में बैठ सकते हो। तो इस प्रकार भी आप लोग मैनेज कर सकते हो, या फिर आप लोगों का लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई इशू की बात नहीं, आप लोग इन्वेस्टेड रहिए, देन जैसे ही करेक्शन मिलता है आप लोग री इन्वेस्ट करिए। तो यहां पर इस टाइप से आप लोगों को मैनेज करना होगा। तो गाइस यदि यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो कभी भी देखो, ब्रेकआउट का एक रूल होता है, कभी भी ब्रेकआउट गाइस डायरेक्टली रैली करता हुआ ब्रेकआउट नहीं मिलता है। ब्रेकआउट यदि मार्केट को देना है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहां पर मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा। डेफिनेटली होल्ड करने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है कि हमारा 19,000 मार्केट डायरेक्टली पहुंच जाए 15,000 से। जी नहीं, ऐसा कब होता है, यदि कोई इवेंट आ जाता है, कोई मार्केट में न्यूज आ जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट लॉजिकली हिस्टोरिकली यदि हम लोग देखें तो मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास आता है तो किस प्रकार हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, टेक्निकली चार्ट हम लोगों के क्या बोलते हैं, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। अब उसके अलावा यदि हम लोग गाइस बैंक निफ्टी को यहां पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा पिक्चर यहां पे अलग आप लोगों को नजर आ रही होगी। जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है यहां पे बैंक निफ्टी इसको क्रॉस कर चुका है। क्या बैंक निफ्टी में हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका है? सर बैंक निफ्टी हमारा 42,000 पहुंच जाएगा? जी नहीं। यहां पे क्या होगा, जब हमारा निफ्टी वहां तक पहुंच रहा होगा, बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहां से अभी हम लोगों को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ तक सकता है, या फिर यहां पे ये छोटी मोटी रेजिस्टेंस को हिट कर सकता है 38,700 की, 38,500 तक पहुंच सकता है, देन यहां पे 39,000 जा सकता है, फिर धीरे से करेक्शन ले सकता है, या यहीं से नीचे से करेक्शन लेकर इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आ सकता है। तो सेम सिनेरियो यहां पे बन रहे हैं दोनों तरफ। तो आप लोगों को फोकस करना है कि एग्जैक्टली हमारा जो मार्केट है वो अभी रेजिस्टेंस के नियर पहुंच चुका है, तो यहां पे हम लोगों को और पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, हम लोगों को पैसे को होल्ड करना है। यदि करना भी है तो लार्ज कैप कंपनी में हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इन चीजों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मार्केट में कैसा भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हो, वहां पर गाइस उसके टेक्निकली चार्ट पर कुछ टारगेट हिट होते हैं, वहां से वो भी करेक्शन लेता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ऊपर जाता रहेगा। तो इस चीजों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सो आशा करता हूं ये एनालिसिस वाली वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में हम लोगों को किस पॉइंट पर क्या करना है। यदि आप लोगों को इस टाइप की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को कॉमेंट करना है कि इस टाइप की चार्ट एनालिसिस करें, जिसके लिए फिर मैं पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक को रेंडमली निकाल के देन उस पर कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट करना है। सो आशा करता हूं वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।